ये इनसे जान लेते हैं। और चूंकि डॉलर सिटी कही जाती है, और इस बस के कंडक्टर महोदय को एक बार ज़रा कैमरे में दिखाइए विशेष जी, कि कंडक्टर महोदय के हाथ में डॉलर भले ही ना हो लेकिन पैसे ज़रूर हैं और ये नोट गिनते हुए सामने हैं। तो महोदय, लखनऊ इस बार किसको भेज रहे हैं? किसको भेज रहे हैं? किसको भेजेंगे लखनऊ? अरे हम खुद चलेंगे लखनऊ, किसको भेजेंगे? खुद चुनाव लड़ेंगे? अरे हम चुनाव किस लिए लड़ेंगे? चुनाव लड़ने वाले लड़ेंगे कि हम लड़ेंगे? क्या लगता है, विकास हुआ है कुछ भदोही जनपद में, भदोही जनपद की अन्य विधानसभा? जनपद के विधानसभा में कोई चुनाव कोई विकास नहीं है, विकास को लिए बनारस में हुआ है। बनारस में विकास हुआ है? यही जो ओवर ब्रिज बना है इसके अलावा और क्या विकास हुआ है बताइए? और कोई विकास हुआ तो आप भी पत्रकार हैं बताइए। इस बार लखनऊ किसको भेज रहे हैं, किसको मुख्यमंत्री की गद्दी पर आसीन करना चाहते हैं? हमारे हम तो सोच रहे हैं, जिसको हम सोचेंगे अकेले हमारे सोचने से थोड़ी होगा। एक वोट आपका भी है? एक वोट हमारा है तो हम अखिलेश को देंगे। और आप बताइए किसको लखनऊ भेजेंगे? लखनऊ तो जो है वही रहेगा, हम लोग जो है वही रहेगा। कौन है और कौन रहेगा? नीचे ऊपर जो है आप समझ लीजिए वही रहेंगे। हाँ, विकास को कितने नंबर देते हैं अगर भदोही जनपद की बात? विकास तो मान लीजिए, देखिए कितना है रास्ता, तो आप घूम कर देखिए, घाट तक जाइए देखिए कि क्या बना है, क्या बिगड़ा है, विकास तो हुआ है। ये तो कंडक्टर महोदय तो रोड ले जाते हैं, कहीं कुछ हुआ ही नहीं आ रहा है, तो इनके यहाँ रोड गड़बड़ है, उसी रोड पर हम भी जा रहे हैं, उधर का रोड गड़बड़ है, उधर विकास नहीं है तो क्या कहेंगे। तो इस बार लखनऊ किसको भेजने का इरादा? कोई की नहीं भेजना की जाता है। किसी को नहीं भेजेंगे? वोटर है ना आप? नहीं, हम वोटर नहीं देंगे किसी को। वोट नहीं देंगे? काफी नाराज है, वजह क्या है? वजह क्या है, जनता को मार डालते हैं, खाने के लिए काम करने के लिए कुछ तो तरस रहे हैं, तो क्या फायदा वोट देने से? किसको लखनऊ भेजें? अभी तो भाग्य वाली बात हुआ के जाए, लेकिन बीजेपी में कारोबार बढ़िया हो रहा है। हाँ, ये इसलिए कि आज जो बोल रहे हैं, गरीब जनता जो है गल्ला पा रही है, हर चीज़ पा रही है, तो क्या चाहिए। ये लोग तो कह रहे हैं कि एकदम जो महिलाएं हैं वो कह रही हैं वोट ही नहीं देंगे। भाई सब पा रहे हैं, अब जो जैसा चाहे वैसा कहें, इससे कोई मतलब नहीं, सरकार कोई कमी नहीं रखा है, सरकार ने कोई कमी नहीं रखा है। और अब देखिए कुछ आप भी बोलना चाह रहे हैं, कुछ बताना चाह रहे हैं? नहीं, सब एक जैसे हो नहीं सकते, हम लोग तो भाई बीजेपी के समर्थक हैं। हाँ, समर्थक हैं आप? इसलिए हमें तो दिख रहा है रोड पे विकास दिख रहा है, रेल लाइन का विकास देख रहे हैं हम लोग। समर्थकों को विकास खाली दिख रहा है या जनता जो है वो भी देखिए, हमें हमारे जेहन में बैठा कि हम बीजेपी का कार्य देख रहे हैं, हमें संतुष्टि है, हम करेंगे उसको वोटिंग। जनता तो कह रहे हैं, ये लोग कह रहे हैं कि राजा कोई भी हो जाए सब लोगों को नहीं प्रसन्न कर सकते, और संघर्ष करके यात्रा कर रही है। तो आप बताइए, हम भी भदोही के ही हैं। भदोही के हैं, अच्छा, तो किसको लखनऊ भेजेंगे? अखिलेश भैया को भेजना है इस बार, अखिलेश को ही भेजना है, क्योंकि वो जनमानस पे जो है, जो उनका फोकस रहता है जन पे रहता है, गृहस्थ जीवन पे रहता है, गृहस्थ को तोड़ना नहीं होता है, गृहस्थ को जोड़ना होता है उनका। ये साहब आप भी पीछे बड़ा ध्यान से सुन रहे हैं और पीछे से कुछ आवाज़ें भी लगा रहे थे, क्या लग रहा है किसको लखनऊ भेजना? अखिलेश को। अखिलेश को वजह जान लें क्या? ऐसा वजह, हम किसान हैं, जब से योगी सरकार आई है तब से हमारा बहुत मुश्किल हो गया है सब्जी और खेती करना, हम सब्जी से जुड़े हैं, जमीन से जुड़े हैं, ये सांड जो हैं हमारे खेतों में नुकसान कर देते हैं। हम कहते हैं कि किसानों की आय दोगुनी करेंगे, लेकिन हम लोगों की लागत दोगुनी कर दिए, वो खेत के चारों तरफ जाल लगा के हम लोग उसको अगोरते हैं, नहीं तो दिन में भी रात में भी, वैसे रात में केवल अगोरना था, अब दिन में भी अगोरना पड़ा। बताइए लखनऊ किसको भेजें? भाई देखिए, लखनऊ के लिए तो ये तो भाग्य की बात है, फिर भी सरकार जो भी कर रही है अच्छा कार्य कर रही है, और उम्मीद यही है कि अगर ऐसे ही पूरे देश वाले का साथ देते रहेंगे तो भारत का विकास बढ़ेगा। बताइए लखनऊ किसको भेजें? भाई देखिए, लखनऊ के लिए तो ये तो भाग्य की बात है, फिर भी सरकार जो भी कर रही है अच्छा कार्य कर रही है, और उम्मीद यही है कि अगर ऐसे ही पूरे देश वाले का साथ देते रहेंगे तो भारत का विकास निश्चित होगा। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि कुछ कमियां भी हैं। भाई देखिए, जहां खूबियां हैं वहां कमियां तो रहती हैं।